एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन का पता चला है, डिमेंशिया। डॉक्टर्स का कहना है कि इसमें आहिस्ता आहिस्ता याददाश्त जाने लगेगी। बहुत दिनों से मन है कि मैं जाके एक बार फेंगुड़ला देखा। एकदम अचानक आगे का तो पता नहीं ना। ये गौरी है। कोकन किसी काम से आए हैं? नहीं, छुट्टी पे आए। वाह, प्रदीप कामत कहाँ है आजकल? खेलजा ने बताया मुझे कि आप लोग बचपन के दोस्त हैं। बचपन में तो सभी दोस्त होते थे। अब चाय और लेंगे? ये क्या आप तुम लगा रखा है? स्कूल में तो तू बोलते थे। पिछले जन्म की बात लगती है तो कभी कभी। ये सातवीं क्लास थी ना? या आठवीं क्लास थी। कुछ है जो शैलजा को अपने उद्गम पे वापस ले आया है। अरे वाह कवि महोदय, 17 साल हो गए हमारे शादी के उद्गम को, लेकिन कभी एक छंद नहीं निकला आपकी कलम से। और आज अपने बचपन के प्यार को देखते ही पूरी कविता उतर गई। तुम कभी मेरे साथ इतना खुश हुई हो? मैं अपने बचपन के घर आई हूँ, खुश तो होंगी ना। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं थी। मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि हम आखिरी बार साथ में कब दुखी थे दीपांकर? शायद बहुत बार। तो ये मत कह देना कि डिमेंशिया की वजह से तुम ये बात भूल गई। तुम्हें बहुत अजीब लगा होगा ना मैं अचानक वापस आ गई प्रदीप को मिलने। अजीब लगा पर बहुत प्यारा अजीब लगा। जिस शैलजा को तुम यहाँ पहली बार मिल रहे हो, शायद मैं उसी शैलजा को ढूंढने आई। इसलिए वापस आने के लिए थैंक यू शैलजा, मुझे याद रखना।